देखिए, अमिताभ घोष जी की गड्डी है, 1985 में आई थी। इस गड्डी की कीमत लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये और है कितने, 500 रुपये। अब ये जब इशू हुआ था तब ये 200 रुपये का इशू हुआ था, आज की डेट में 25 हज़ार रुपये का हम बेच रहे हैं, तो पैसा बिक ही रहा है। दुनिया में हर चीज़ आपने बिकते हुए देखा होगा, सुना होगा, कभी हीरे बिकते हैं, सोने बिकते हैं, सब्जी बिकते हैं, यानी देश में या फिर दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं बिकता है। लेकिन इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, यहां पर जो है पैसा भी बिकता है। एक बार तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर जो है साफ तौर पर तस्वीर लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैसे भी बिकते हैं। तो यहाँ आइए एक बार, ये जो है ये पैसों की गड्डियाँ दिखाइए। देखने में आपको जो है 5, 10, 1, 2 या 15, 20 की दिखाई देंगे, लेकिन वाकई में अगर इसकी कीमत जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो लोग, चाहे वो आज के नोट हो या फिर 100 साल पुराने नोट हो, उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ढूंढते हैं। इस चीज़ को लोकल लेकर जो है हम जुड़ते हैं, यहाँ के ऑनर से बातचीत करते हैं कि आखिर ये पैसा कैसे बिकता है। सर क्या नाम है आपका? भानु। भानु साहब कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली से ही हैं। पैसा भी बिकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिकता है, ट्रेडमार्क इसी पे लिया हमने, पैसा भी बिकता है। अच्छा, अभी तक तो लोगों ने यही सुना था सोना बिकता है, चांदी बिकता है, हीरा मोती ये बिकते हैं, पैसे कब से बिकने? सर आपके सामने ही है, पूरी एग्जीबिशन घूम के देखो कि हाँ पैसा ही बिक रहा है। अब इसके अंदर भी अगर पैसा नहीं बिक रहा है, मतलब आज तक जो पैसा हर चीज को खरीदता था वो पैसा आज बिक रहा है, वो पैसा भी बिक रहा है। अच्छा। दूसरा पैसा नए पैसे को, पुराने पैसे को खरीद रहा है। ऐसा कौन सा पैसा है जो बिक रहा है, जरा एक बार दिखाई कुछ यूनिक आइटम जो है, एक बार तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, अमिताभ घोष जी की गड्डी है, 1985 में आई थी। इस गड्डी की कीमत लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये है और है कितने, 500 रुपये। अच्छा, और ये बिक रहे हैं 35 से 40 हज़ार रुपये की एक गड्डी। 35 से 40 हज़ार रुपये की बिकेगी और ये सिर्फ कितने तक के? 500 तक। ये सिर्फ 500 रुपये हैं, 5 रुपये के 100 नोट। अच्छा, पूरी गड्डी 500 रुपये, 35 से 40 हज़ार, तो फिर पैसा बिक ही रहा है ना। वाकई में जो है पैसा बिक रहा है। और कुछ यूनिक आइटम दिखाइए, क्योंकि दोस्तों ये जो है अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, पैसा बिकता है और वाकई में जो है यहाँ पे पैसा बिक रहा है। ये देखिए, हाँ। इसमें 10 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, हाँ। इधर देखेंगे 5 पैसे, हाँ। 3 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे, फूड फॉर ऑल का है सिक्का। अब ये जब इशू हुआ था तब ये 200 रुपये का इशू हुआ था, हाँ। आज की डेट में 25 हज़ार रुपये का हम बेच रहे हैं, तो पैसा बिक ही रहा है। मानने वाली बात है कि पैसा जो है बिक रहा है। क्या सर क्या मानते हैं, पैसा बिक रहा है? बिल्कुल बिक रहा है। हाँ। और पैसा खरीदने आए? हाँ जी, खरीदने आए हम। किस चीज़ से खरीदेंगे, पैसों से या सोनों से? पैसा खरीदा जाएगा, बिना पैसे तो कोई चीज़ खरीदी नहीं जाएगी। हाँ। पैसे से पैसा ही बिकता है। पैसों से पैसा बिकता है, और ये इतनी जो स्टॉल लगे हुए हैं सब पैसे से पैसे ही खरीद रहे हैं। आपके हाथ में तो ये लेंस भी, एक बार चेक कीजिए किसी सिक्के को। आपको चेक नहीं, आप चेक, आप चेक करो, नहीं आप चेक करो, आपको देखो इसलिए, देखो आप एक बार करके, अब उठा करके आप चेक करिए, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्या नज़र आ रहा है सब समझ में आएगा इससे। ये जो है 5 पैसे का सिक्का है और ये जो है 1974 की है, ये साफ तौर पे दिखाइए। ये 2 पैसे का सिक्का है और ये भी जो है 1 पैसे का सिक्का है। अच्छा, सारे सिक्के हैं ये, सब दिखते हैं इससे। तो देखिए भाई, आज के डेट में जो है कोई अब ये नहीं कह सकता कि पैसा जो है नहीं बिकता है, पैसा बिकता है और पैसे से ही खरीदा जा सकता है। एक बार इधर तस्वीर दिखाइए, इधर जो है इन्होंने बिल्कुल गड्डिया की। सर ये कहाँ से मंगवाई आपने, किसे ट्रक में लोड करके मंगवाया था? सर ये अपनी गाड़ियों में रख के लाए, हम दिल्ली से आए हैं क्योंकि डीलर हैं हम यहाँ पे। अच्छा। तो दिल्ली के डीलर हैं, पूरी जहाँ पर भी पूरी इंडिया में एग्जीबिशन होती है, तो इसको लोड करके लेके जाते हैं, चाहे बायर लेके जाएं, ट्रेन से लेके जाएं, चाहे बस। एग्जीबिशन में जो है सबसे ज़्यादा जगह की बात की जाए तो वो आप ही को मिला है, तो आपने सच में पैसा बेचा है।
जी बिल्कुल, हमने पैसा देके इतना लंबा स्टॉल खरीदा है ना? बिल्कुल सर, ताकि हमारा पैसा बिक सके। देखिए, अगर आप भी, अब तो पैसा बिकता है, अगर आपको भी पैसा बेचना है या खरीदना है तो आप जो है स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इनसे साफ तौर पे मिल सकते हैं। दिल्ली में इनका शॉप है, शॉप का एड्रेस भी हमने आपके लिए उपलब्ध करा दी। किसी भी तरह की जानकारी हो या फिर आपके पास पुराने सिक्के हो, नोट हो, या फिर आपको नए नोट या सिक्के चाहिए या पुराने चाहिए, तो वो तमाम चीज़ों के लिए जो है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और पैसा भी बिकता है आज के समय में। जी हाँ, ये पॉसिबल है कि पैसा जो है कहीं टिकता नहीं, कहीं रुकता नहीं, पैसा जो है अब हमेशा बिकते रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।